यार एक लड़के की लाइफ में ना चाहे जितने मर्जी प्रॉब्लम्स की ना हो, चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंसिस रिलेटेड हो, वो ना हमारे कॉन्फिडेंस को कभी इतना शेक नहीं कर पाती जितना एक प्रॉब्लम अकेले कर जाती है। एंड वो प्रॉब्लम है हमारा हेयर फॉल। यार हमें ना रियलाइज भी नहीं होता जब हमारी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर हमारी हेयर लाइन रिसीड होनी शुरू हो जाती है। रियलाइज होता है तब जाके व्हेन इट इज टू लेट। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले घरेलू उसको ट्राई करेंगे, ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, एंड सो ऑल ऑफ चीजें जो कि काम भी नहीं करती। और जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तब हमें सिर्फ एक सोल्यूशन नजर आता है, हेयर ट्रांसप्लांट। बट भाई चीजें इतनी खराब होनी देनी क्यों है। सो हेलो गाइस, आई एम नितिन गुप्ता, वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। एंड भाई हमारी जो आज की वीडियो है इट इज डेडिकेटेड टू मेंस हेयर लॉस। एंड एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, विच इज द एचके वाइटल्स डीएचटी ब्लॉकर। डीएचटी ना बेसिकली एक हार्मोन है जो कि बनता है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन टेस्टोस्टेरोन। एंड टेस्टोस्टेरोन तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा दैट इट इज अ मेल हार्मोन। यार आई नो कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक बातें कर रहा हूं लेकिन ये ना आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 15 से 20 सेकंड सिर्फ ध्यान से सुनना। हाई लेवल्स ऑफ डीएचटी के कारण हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है। अगर डीएचटी हेयर फॉलिकल्स के साथ में एक लंबे समय तक अटैच हो जाए तो इट कैन ट्रिगर द रिसेप्टर्स टू श्रिंक दोस फॉलिकल्स, जिससे सबसे पहले तो होती है हेयर थिनिंग एंड इवेंचुअली होता है हेयर लॉस। तो यार हेयर लॉस एंड हेयर थिनिंग के ना कॉजेस क्या है उसको ना ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज हेरिडिटरी, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी अगर आपकी फैमिली में आदमियों को हेयर लॉस की हिस्ट्री है, आपके दादा हो गए, आपके पापा हो गए, तो इट इज वेरी मच लाइकली कि आप लोग भी सेम प्रॉब्लम से सफर करने वाले हो। अनलेस एंड अंटिल आपकी मॉम की हेयर हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आपकी बॉडी में उनके जीन्स प्रेजेंट है फॉर योर हेयर ग्रोथ। नंबर टू इज मेडिकल कंडीशन। काफी बार यार ऐसा भी होता है कि मेडिकल कंडीशन की वजह से या फिर दवाइयां खाने की वजह से लोगों को हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। नंबर थ्री इज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। अगर आप लोग काफी टाइम से स्ट्रेस आउट चल रहे हो तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको उस वजह से भी हेयर लॉस हो रहा हो। नंबर फोर इज गोइंग टू बी यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स ऑन योर हेयर एंड स्कैल्प। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा केमिकल इन्फ्यूज प्रोडक्ट अपने बालों के अंदर यूज करें, जैसे हेयर कलर हो गया, हेयर वैक्स हो गया फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि वो आपकी हेयर हेल्थ को खराब करता है। नंबर फाइव इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग डैंड्रफ। अगर आप लोगों को काफी टाइम से डैंड्रफ हो रखा है और आप लोग उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आपका स्कैल्प जो काफी ज्यादा ड्राई है एंड आपके हेयर फॉलिकल्स भी बहुत हद तक डैमेज हो रहे होंगे। अब नितिन भाई प्रॉब्लम हो क्यों रही है वो तो समझ आ गया, तो बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। नंबर वन, अगर तो आपको हेयर लॉस का कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है तो सबसे पहले तो अपने बालों में हाईली केमिकल इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स को यूज करना बिल्कुल बंद कर दो, जैसे आपका हेयर वैक्स, हेयर क्ले, हेयर जेल, हेयर स्प्रे एक्सेट्रा। नंबर टू में मैं आना चाहूंगा न्यूट्रिशन पर। एंड न्यूट्रिशन में जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं उनको मैं समवेयर रिलेट करूंगा विद दिस प्रोडक्ट, विच इज द एचके वाइटल्स डीएचटी ब्लॉकर विद बायोटिन। तो प्लीज थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना। प्रोडक्ट का नाम क्या है? HK Vitals DHT Blocker with Biotin। यानी इसका की इंग्रेडिएंट जो है वो हो गया बायोटिन। एंड ये ना एक प्रूवन फैक्ट है, बायोटिन बेशक हेयर ग्रोथ में 100% इफेक्टिव नहीं है लेकिन हेयर लॉस और बॉल्डिंग को प्रिवेंट करने में 100% इफेक्टिव है। तो आपकी डाइट में ना बायोटिन डेफिनेटली होना चाहिए। इसके बाद मैं आना चाहूंगा विटामिन ई पर। आप लोगों को याद है कि बचपन में हम लोग मम्मी को बोलते थे सर में तेल लगा दो, तो मम्मी करती क्या थी, तेल वाली जो कटोरी होती थी उसके अंदर ग्रीन कलर का कैप्सूल लेती थी, उसको कट करके अंदर का लिक्विड सारा पंचर कर देती थी। हम उनसे पूछते थे मम्मी इससे क्या होता है, तो मम्मी क्या कहती थी कि इससे आपके बाल जो है बेटर नरिश होंगे। ये ग्रीन कलर की कैप्सूल होती थी विटामिन ई की कैप्सूल। एंड विटामिन ई की एक्सटर्नल एप्लीकेशन चाहे इफेक्टिव हो या ना हो लेकिन इसकी ओरल कंजम्पशन बहुत इफेक्टिव है। तो अपनी डाइट में विटामिन ई को भी इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द एचके वाइटल्स डीएचटी ब्लॉकर। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिशन पर, विच इज प्रोटीन। आप लोगों ने कभी केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? ये जनरली लड़कियां करवाती हैं या तो अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए या फिर उनको रिपेयर करने के लिए। केराटिन ना बेसिकली स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। केराटिन ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली केराटिन को ना बालों के अंदर केमिकली इन्फ्यूज किया जाता है लेकिन हम लोग अपनी डाइट में इंश्योर करेंगे दैट हमारी डाइट में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट हो। एंड एचके वाइटल्स डीएचटी ब्लॉकर इज रिच इन प्रोटीन एज वेल। इसके अलावा भी कुछ और विटामिंस एंड न्यूट्रिशंस होते हैं विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेयर ग्रोथ एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को हैम्पर करते हैं जो कि है डीएचटी एंड उसके बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। एंड भाई सिंस यहां पे बायोलॉजी क्लास नहीं चल रही, किसी डॉक्टर बनने की क्लास नहीं चल रही, तो अगर आप लोगों को डीएचटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा पढ़ना है तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आर्टिकल्स के लिंक दे दिए हैं, यू गाइस कैन चेक इट आउट। अब यार मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई हैं, कौन से न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, कौन से विटामिंस इंपॉर्टेंट है एंड हर एक न्यूट्रिशन को अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, चेक करना कि हर एक फूड आइटम के अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसकी कितनी क्वांटिटी हम लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए, ये ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। अब यार अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो तो यार बहुत ही बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन सिंस प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल है इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट ले लें। एंड एचके वाइटल्स डीएचटी ब्लॉकर विद बायोटिन में ये सब इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं इन आइडियल क्वांटिटी, तो आप लोगों को ना इसका एक टैबलेट कंज्यूम करना है ऑन अ डेली बेसिस एंड इन अबाउट 1.5 टू 2 मंथ्स आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एंड रिजल्ट्स को ट्रैक करने के लिए आपको अपने बालों की पिक्चर क्लिक करनी है चार एंगल से, फ्रंट, लेफ्ट,
राइट एंड टॉप। हफ्ते में एक बार पिक्चर क्लिक करना एंड जब आपका 2 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सब पिक्चर्स को कंपेयर करना टू सी द रिजल्ट्स। एंड ये रूटीन डेफिनेटली आप लोगों को हेयर लॉस एंड हेयर थिनिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट को परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को इंक्लोज कर दिया है। यू गाइस कैन यूज माय कूपन कोड एज वेल टू अवेल एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड इस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम बोथ hkwriters.com एंड Amazon। सो गाइस दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एंड मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों को सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एक अच्छी एंड इजी लैंग्वेज के अंदर समझा पाऊं। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाएं। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज द क्लासिक अफेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल।